बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदा दा ना लो। अहम स्पीच जो के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, और इंडिया में जो जनरल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं, लेकिन वो जनरल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं। हमें बैसाखियां क्यों चाहिए होती हैं, जब पता होता है कि मैं दो नंबर हूं, मैं सीट पे बैठने का अहल नहीं हूं। नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है भारत। तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है। कर्नल कमर जावेद बाजवा अपने रिटायरमेंट स्पीच में बोल रहे हैं कि भैया जो 1971 में हुआ वो बिल्कुल सच नहीं है, हमारी फौज बहुत ताकत से लड़ी और इतने हमें जूते नहीं पड़े जो जूते बताए जाते हैं कि इतने पड़े और इतने नंबर में पड़े। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली है कि इंडियन आर्मी की इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं होती। इस टॉपिक के बारे में वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की और इसको एक अलविदाई खिताब कहा गया और उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान यानी साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी। सर इसको लोग मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे हैं, यानी ये कि किसी को इस पर एतराज है और कोई कह रहा है कि ये दुरुस्त बात है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने इजहार किया उस पर सभी हैरान हैं। एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाकये की शर्मिंदगी का जिक्र करने की जरूरत थी, और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे और हमारा मुकाबला 2.25 लाख इंडियन आर्मी से था, तो 2 लाख जो है ट्रेन मुक्ति बानी थे। तो उसमें सवाल ये उभरता है कि ये मुक्ति बानी ट्रेंड हुए क्यों, और उस वक्त या उससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, और वो अय्यूब खान हुकूमत हवाले किसके करके गए थे, असल इश्यूज क्या थे, बंगालियों के साथ ज्यादती करने वाले कौन लोग थे। कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा कि जो अक्सरियती सूबा था उसका ना तो कोई फेडरल सेक्रेटरी था और ना उस फौज में कोई लेफ्टिनेंट जनरल था। तो एक दास्तान अजीम है वो पूरी, इल्जाम लगा देना, सियासी मसला करार देना और सियासतदानों को आज के गंद का भी जिम्मेदार करार दे देना और बड़े आराम से एक जुमले में फारिग कर देना कि जी हमसे भी गलतियां हुई, और फिर इम्पोर्टेड रिजीम और RTS सब और अदमबरदार सब सियासतदानों पर डाल दिया। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सियासतदान पैदा किसने किए, क्या ये जमीन से खुद उगे थे या इन्हें अवाम लेकर आई थी, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, XYZ किसी का भी नाम लीजिए, ये सब इसी नर्सरी से आए ना, इसी गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहता है इंक्लूडिंग हिम, सब वहीं से आए हैं। तो सबको पता है कि वो एक ही तकरीर थी और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो एक शोदा की तकरीर थी, जहां बेवाएं बैठी थी, जहां उन बच्चों की माएं बैठी थी जिन्होंने अपने प्यारे खोए, उनके बाप बैठे थे और वो हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और सबको पता है ये जाएगा, डॉलर जमा कर लिए हैं, 300 से 400 अरब रुपए का घपला है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो आखिर में मुकमुका हुआ है उसमें ये भी शामिल है कि इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होगी, और अगर अव्वल तो देखें ये कन्फर्म है कि ये नहीं रहेंगे मुल्क में। अगर इसको समझना है कि क्यों नहीं रहेंगे तो ISPR पे इनकी तकरीर जो डाली गई है आप वो जाकर देख लीजिए, उसके नीचे जो 99% कमेंट्स हैं वो आपको मंजरकशी कर देंगे कि अगला मुस्तकबिल क्या है। और जिस तरह से इन्होंने गुज़िश्ता 6 साल में फौज को टका टोकरी किया, खैर वो तो पहले से हो रहा था मगर इन्होंने तो इंतहा कर दी। और अब ये कहना कि जनाब हम तो न्यूट्रल हो गए हैं और हमने रियलाइज कर लिया है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं कि गुज़िश्ता 1.5 साल में जो इन्होंने किया है वो भी सबको पता है, सबको नजर आ रहा है कि मिसिंग पर्सन अभी भी मौजूद हैं, अभी भी सियासतदानों को मैनिपुलेट किया जा रहा है,
अब भी वही पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, क्या खाइफ हैं, डर गए हैं? आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। माने ये 90,000 लोग, आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, भाजपा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था, कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथार्सिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। उन्होंने अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को, वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है। आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका, और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदा दा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को, आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सब का मेरा मस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है, जो डिपार्टमेंट, आप मुझे ये बताएं आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो, आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं, जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा उनका नाम है, अपिंद्रा देवती उनका नाम है, उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है, पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। जे तो बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं, क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही है, इंडियन आर्मी को भारत में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ऐसा पाकिस्तान के करंट, अब नहीं है करंट मतलब एक्स आर्मी चीफ कर्नल जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट स्पीच में बोल रहे थे। यार तो इंडियन आर्मी के आपको पता है 5 मैं बता रहा हूँ, आप रिटायर आर्मी चीफ के नाम बहुत मुश्किल से बता पाएंगे वही जो पॉलिटिक्स में है या जो काफ़ी फेमस है न्यूज़ वगैरह में आते हैं, बाकी बहुत मुश्किल होंगे 5 बताने। 1-2 तो बता दोगे आप, 5 बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान के आप बिल्कुल नाम लेते जाओगे यार, जनरल कमर जावेद बाजवा, राहिल शरीफ, कियानी, मुशर्रफ, और जो मर गया था वो क्या नाम है उसका, जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, मतलब ये इनके बहुत आसानी से आप नाम बता दोगे। और ये इनके 5ों के नाम आपको पता कैसे, क्यों पता है? क्योंकि ये जो मुशर्रफ है आप देखो इसकी प्रॉपर्टी बाहर कितनी है, और इसके पास एग्जांपल है कि मैं लेक्चर देके मैंने इतना पैसा कमाया।
और कियानी का ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड है, और साथ ही साथ जो राहिल शरीफ है वो भी बाहर बेहतरीन मस्त एंजॉय कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं रहता है। कर्नल जावेद बाजवा भी बाहर जाने की सेटिंग में है, और एक और जो बाजवा था वो तो अमेरिका में, उसकी 100 से ज़्यादा पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी है। तो ये हैं आपके आर्मी के कांड, उसके बाद आप मांगते हो रिस्पेक्ट, साथ ही साथ पाकिस्तान में आप क्या क्या करते हो आपको पता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सीधा इन्वॉल्वमेंट आपका, पाकिस्तान को पीटने के आपके कई बार आरोप, वो एक चैन बनी हुई है भाई। अब मेरा टर्म आएगा, मैं ऐसी तैसी करूँगा, आप बाजवा साहब आप निकल लो, तो जो नया बंदा भी आएगा उसकी भी यही हरकतें रहेंगी। वो एक सिस्टम बना है, करप्ट सिस्टम है, और इसको आप कंपेयर कर रहे हो इंडिया से। इंडियन एक्स आर्मी चीफ आपको पता है कि उनकी कभी बहुत, मतलब नाम ही नहीं सुना होगा कि यार उनका दुबई में इतना बड़ा फ्लैट है, बाहर आइलैंड है, ये है वो है, पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ यहाँ पे इन्होंने कि हाँ उनको सरकारी एक मिल जाएगा बंगला, जिस पोस्ट के हिसाब से जो डिज़र्व करते हैं उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। पाकिस्तान की तरह करप्शन से बनाकर वो बाहर नहीं निकलते। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में।